ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारे पास है साइलेंस पावर, हमारे पास है परमात्म विल पावर। हम यदि ये याद रखें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और परमात्म विल पावर मेरे पास है, तो हमारा स्वरूप इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली होगा। हमसे चारों ओर बहुत पावरफुल वाइब्रेशन फैलेंगे जो संसार का कल्याण करेंगे। तो हम याद रखेंगे, संसार में लोग बड़े बड़े काम जो भी करते हैं वो विल पावर के आधार से करते हैं। और बाबा ने कहा, तुम्हारे पास है परमात्म विल पावर, तुम संकल्पों से सब कुछ कर सकते हो। मन में केवल एक वही संकल्प हो जो करना है तो वही हो जाएगा। निगेटिव संकल्प मार्ग में दीवार का काम करते हैं। तो हम अपनी शक्तियों को पहचाने, इस साइलेंस पावर को पहचाने। साइलेंस पावर का अर्थ है, मन जब साइलेंट हो जाता है तब वो बहुत पावरफुल होता है। तब उससे बहुत अधिक शक्तिशाली वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। इसको ही विल पावर, साइलेंस पावर, मनोबल कहते हैं। तो हम अपनी साइलेंस पावर को बढ़ाते चलें, इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने संकल्पों की स्पीड को कम करें। संकल्प यदि व्यर्थ हैं, संकल्प यदि निगेटिव हैं, तो उनकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है और तब हमारी शक्तियाँ जो हमारे मन में वास करती हैं वो नष्ट होने लगती हैं, हम वीक पड़ने लगते हैं। तो एक तो हमें बचत करनी है, दूसरा साइलेंस पावर को बढ़ाने के लिए। मैं आत्मा इस देह से अलग हूँ, मैं अलग ये देह अलग, ये बहुत अच्छी फीलिंग करें। दूसरी फीलिंग करें अपने ग्रेट स्वमान की। इन दोनों अभ्यास से हमारी संकल्पों की स्पीड बहुत धीमी होती जाएगी, हमारा मनोबल बढ़ता जाएगा और हम पावरफुल बनकर हर समस्या का सहज सामना कर सकेंगे, उनका समाधान कर सकेंगे। समस्याएं और चुनौतियां हमें परेशान नहीं करेंगी, बल्कि जितने चैलेंजेस जीवन में आएंगे उतना ही हम अधिक पावरफुल बनते जाएंगे। और शक्तिशाली विवेकशील प्राणी वही होता है जो हर परिस्थिति या हर चैलेंज में स्वयं को और पावरफुल बनाए, अपनी विवेक शक्ति को और ज्यादा बढ़ाए। तो आओ हम इस साइलेंस पावर पर ध्यान दें। विनाश काल में जिनके पास ये साइलेंस पावर होगी, प्रकृति उनकी दासी होगी, प्रकृति उनकी सुरक्षा करेगी, प्रकृति उनके आदेश का पालन करेगी। यदि प्रकृति बहुत तूफान कर रही है, बिल्कुल सब कुछ समाप्त कर देना चाहती है, तो ऐसी महान आत्माएं संकल्प करेंगे, मैं प्रकृति का मालिक स्वराज्य अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और प्रकृति को आदेश देंगे शांत हो जाओ। इससे प्रकृति शांत होने लगेगी, उसके तूफान शांत होने लगेंगे। तो बहुत बड़ी पावर है, इससे हमारा वर्तमान जीवन भी खुशियों से भरपूर, सफलताओं से संपन्न हो जाएगा और आने वाला भविष्य भी हम निश्चिंतता पूर्वक
बाबा की छत्र छाया में व्यतीत कर सकेंगे। तो आज सारा दिन यही स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्वराज अधिकारी हूँ, और अभ्यास करते रहेंगे चलते फिरते ही कि सर्वशक्तिवान की शक्तियों का फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है, मानो मेरे ऊपर शक्तियों की बरसात हो रही है। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।